एशिया कप 2023 के भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर और भाजपा विधायक गौतम गंभीर का ये अभद्र इशारा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी यूथ उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया हेड ऋचा राजपूत ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि जब पाकिस्तानी ऐसे नारे लगाएंगे तो जवाब इतना ही करारा मिलना चाहिए। कई राइट विंग अकाउंट्स ने भी ये वीडियो ऐसे ही दावों के साथ शेयर किया। गौतम गंभीर ने इस वायरल वीडियो के संदर्भ में ये बयान दिया था। सबसे पहले उस वीडियो के बारे में आपका क्या रिएक्शन है, क्या हुआ था पूरा बताइए। ठीक है, पहली बात तो ये जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर दो या तीन पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता हूँ। गौर करें कि गौतम गंभीर और विराट कोहली के संबंधों को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं छिड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर गौतम गंभीर के इस रिएक्शन का कारण भारत विरोधी नारों को माना गया। वहीं गौतम गंभीर ने भी यही वजह बताई, लेकिन इस दावे की तह तक जाने के लिए और असल में स्टेडियम में क्या हुआ ये जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। ध्यान दें कि वायरल वीडियो में एक्स तृप्ति लिखा है। ट्विटर यूजर एक्स तृप्ति का अकाउंट चेक करने पर हमने पाया कि इस यूजर ने कथित वीडियो में भारत विरोधी नारे वाला ऑडियो ऐड किया था। ये बात इस यूजर ने खुद ट्वीट करते हुए बताई थी। वहीं यह ऑडियो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 9 फरवरी 2016 को आयोजित एक कार्यक्रम के वायरल वीडियो से लिया गया है। कथित तौर पर उस कार्यक्रम में भारत विरोधी नारेबाजी की गई थी। स्क्रीन पर हमने वायरल वीडियो और 2016 के वीडियो को बारी बारी से चलाया है, जिससे कि आप ये बात खुद समझ जाएंगे। वायरल वीडियो एडिट किया गया है। गौतम गंभीर ने स्टेडियम में भारत विरोधी नारेबाजी के कारण अभद्र इशारा नहीं किया था।